एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक लाइन लिखेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट फुल स्टॉप, और फिर सब एडिंग डाल लेना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स गिव्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों, इसमें आप प्लैटिनम, प्लैडिनम या फिर निकल कुछ भी यूज कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में जो कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है दोनों पे एक एक एच लगा दोगे, ठीक है? मतलब आर सी एक एच पहले से ही था वो लगाया, इस सी एच पे ओ एच है, एक और एच एक्स्ट्रा लगाएंगे तो सी एच टू बन जाएगा। कैसा अल्कोहल बनाइए, वन डिग्री का। सेकेंड डिग्री में इस पे भी एच लगा दोगे, इस पे भी एच लगा दोगे, जो डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको सिंगल बनाना है। तो आर सी, इस पे भी आर, इस पे एच आ जाएगा और इस पे ओ एच आ जाएगा। कितने डिग्री का अल्कोहल है ये, टू डिग्री का अल्कोहल। तो वन डिग्री का अल्कोहल मिलता है एल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन करने पे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और टू डिग्री का अल्कोहल मिलता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन करने पे। वेरी इजी थिंग। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, सब में यही होगा, ध्यान से करना। सबसे पहला है एसिटल एल्डिहाइड टू इथेनॉल कन्वर्ट करना है, एसिटल एल्डिहाइड टू इथेनॉल, जल्दी करके दिखाइए, एसिटल एल्डिहाइड टू इथेनॉल। एसिटल एल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है, ये तो पता ही है सभी बच्चों को, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2 डाल देंगे, निकल और प्लैटिनम क्या होगा बताइए, या फिर प्लैटिनम कुछ भी डाल सकते हो। ये जो CHO दिख रहा है तुम्हें कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, यानी कि वन डिग्री का अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में रिडक्शन हो गया बेसिक। अगला क्वेश्चन है एसीटोन टू प्रोपेन टू ऑल, एसीटोन टू प्रोपेन टू ऑल, डन हो गया। एसीटोन टू प्रोपेन टू ऑल कर लिया, सेम ही बनेगा, मेरे को करना पड़ेगा। प्रोपेन टू ऑल, नेक्स्ट है बेंजल एल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजल एल्डिहाइड आता है, सेम काम करना है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। इस हफ्ते भी आप लोगों का टेस्ट है सैटरडे को, ये एक नई सीरीज है टेस्ट सीरीज की, और इसमें आप लोग एब्सेंट नहीं हो सकते हो। दूसरा, आपको फ्राइडे तक 100 रुपीज एक्स्ट्रा जमा कराने हैं, जिस दिन भी आप टेस्ट देने आओगे
टेस्ट देने में कितने भी नंबर आए इस बात से मैटर नहीं करेगा, बस आपको टेस्ट देने जरूर आना है। वो 100 रुपीज़ आपको उसी टाइम पे रिफंड कर दिए जाएंगे, तो फ्राइडे तक का टाइम होगा और ये हर वीक का रहेगा। मीन्स अगर इस वीक है तो इस वीक आपको, और ये एडिशनल फीस है जो आपकी जो यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है उससे अलग है। अगर आप ये जमा नहीं कराते हो तो आपकी गंदे वाली होगी पिटाई और आपके पेरेंट्स आएंगे तभी बात हो पाएगी, नहीं तो फिर मंडे से आप क्लास नहीं ले पाओगे क्योंकि सिलेबस हो गया खत्म। तो टाइम पास करने से अच्छा ये है कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बड़ी बात, आपने पैसे जमा करा दिए फ्राइडे को और आप बीमार हो जाते हो सैटरडे के दिन या किसी भी दिन, तो इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे और आपकी अलग से पिटाई भी होगी। तो जिस दिन भी टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबली आपको सैटरडे का, आज मंडे को रात को शेड्यूल आ जाएगा। चैप्टर इस बार भी एल्डिहाइड, अल्कोहल और मतलब पूरी ऑर्गेनिक आ रही है बेसिकली, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक पे काम करना है। क्वेश्चन के सोर्स अननोन रहा करेंगे इस बार, कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको अटेंड करना है। नंबर आपके चाहे जीरो आए चाहे फुल आए, चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। तैयारी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी अगर तुम पढ़ के आओगे, नहीं पढ़ते हो तो गंदे पिटोगे। मेरे को कल वाला रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि सब कुछ स्मूथली चले तो बात खत्म करते हैं यहीं पे, नहीं चाहते हो तो फिर पिटाई होगी। दूसरा ये है कि आप किसी भी वजह से अपसेंट नहीं हो सकते हो किसी भी दिन, अगर होते हो तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। अपने पेरेंट्स से फोन करा देना, जी हमारा बच्चा टाइम पास करने जाता है, उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो ये ध्यान रखना। 15 तारीख के बाद डेली एक टेस्ट और 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी, एक टेस्ट 1 घंटे का हुआ करेगा और जिसमें वही आएगा जो आपको पिछले दिन में कराया गया है या पिछले चैप्टर से हो चुके हैं रिवीजन में। तो 15 तारीख से हमारी रिवीजन शुरू है, पर उस टाइम तक हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है। एल्डिहाइड का चैप्टर तुम लोगों को आता नहीं, असाइनमेंट भी नहीं किया तुम लोगों को, तो बहाने से काम चलेगा नहीं। प्रैक्टिकल और ना जाने क्या क्या चल रहा है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, राइट। चलो नेक्स्ट, इसी को हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ये हमारा क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है, ये हमारा क्या है, बेंजाइल एल्डिहाइड। मेरे ख्याल से अब ये कन्वर्जन आ गई है तुम लोगों को समझ, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा तुम लोगों को याद है NaBH4 और LiLH4 भी ये काम कराते थे। NaBH4 एल्डिहाइड को करा देता रिड्यूस, कीटोन को करा देता था, एसिड एलाइड को करा देता था और किसी को भी नहीं करा देता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है वो है क्लिम्सन रिडक्शन। हेडिंग डाली आप लोग क्लिम्सन रिडक्शन। ये आपको याद कर लेना है, क्लिम्सन रिडक्शन में जो भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसको कन्वर्ट कर देना है तुम्हें CH2 के अंदर में, यानी कि हाइड्रोकार्बन के अंदर में। ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली रिडक्शन ही होगा इसके अंदर। इसमें जो रिएजेंट लगता है वो जिंक अमलगम लगता है, जिंक अमलगम ZnHg विद HCl। कुछ नहीं करना है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पे भी H इधर भी H, CH2 बन जाएगा, कोई अल्कोहल कुछ नहीं, सिंपल हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्वेश्चन करते हैं इसके, हो गया यहां तक, कोई स्टेटमेंट भी जरूरत नहीं है। जिंक अमलगम विद HCl, इथेनल से इथेन बनाना है तुम्हें। क्वेश्चन लिखिए, इथेनल से इथेन क्या बन जाएगा, इथेनल इज लाइक CH3CH डबल बॉन्डेड O, कार्बोनाइल ग्रुप है, क्या डालोगे इसके अंदर, जिंक अमलगम विद HCl। जो ये डबल बॉन्डेड O दिख रहे हैं गैप करो, उसकी जगह 2H लगा दो, क्या बन गया, CH3CH3, दोबारा से CH3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये है इथेन, ये है इथेनल या फिर एसिटल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या तुम लोग सेम काम प्रोपेनोन से यानी कि एसीटोन से कर सकते हो, देखना एसीटोन से जिंक अमलगम डालने पे क्या बन रहा है। हाँ बताओ, एसीटोन का स्ट्रक्चर नहीं पता तुम लोगों को, प्रोपेनोन को ही बोलते हैं। जिंक अमलगम डाल दिया यानी कि क्लिम्सन रिडक्शन करा दी,
क्या कोई प्यारा बच्चा बता सकता है? प्रोपेन बन जाएगा, यानी कि सिंपल कार्बन की चेन, बीच वाले पे सीओ की जगह क्या आ जाएगा? CH2। परफेक्ट, दैट इज द प्रोपेन। नेक्स्ट है बेंजोफिनोन, कराइए इसका हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन। बेंजोफिनोन किस में कन्वर्ट होगा? बेंजोफिनोन कह रहा हूं, एसिटोफिनोन बना लेना, वैसे बेंजोफिनोन में भी हो जाता है बट एसिटोफिनोन बना लेना। एसिटोफिनोन इज बेंजीन रिंग COCH3। कुछ ऐसे नाम जो बार बार बदनाम है और आते ही हैं, तो एसिटोफिनोन लेस रिएक्टिव होता है वैसे तो, बट जिंक अमलगम ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl विल कन्वर्ट, द CO विल कन्वर्ट इन टू द CH2। सिंपल है, बेंजीन रिंग बनेगी यहाँ पे, और बेंजीन रिंग बनने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2CH3। तो क्या बोलेंगे हम? इथाइल बेंजीन, वन इथाइल बेंजीन कैन ऑल्सो से। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? एक और है जो शायद तुमने पहले भी कर रखा है, इसका नाम है रिएक्शन का वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होगी। हाइड्राजीन कितने बच्चों को याद है? कराया हुआ है? भूल गए? वेरी गुड। NH2 NH2 दो बार होता है, इनमें से कौन रिएक्ट करता है और कौन नहीं करता है? दोनों ही कर सकते हैं क्योंकि लोन पेयर दोनों के पास है, नो इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। यहां से क्या हटाना होता था? और यहां से ओ, कौन से मीडियम में रिएक्शन होती थी? वीकली एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्गली नहीं। कार्बन डबल बॉन्ड NNH2, ये जो बना इसको, ये जो रिएक्ट कर रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे? हाइड्राजीन। ये क्या बना था? हाइड्रोजोन। और इसको रिएक्ट कराएंगे हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। नाम सुना है? कंफ्यूज मत हो जाना, एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। इथिलीन ग्लाइकोल याद आ रहा है कुछ कुछ? बेटा इसको क्या करना है तुम्हें, यहां से N2 गायब कर देना, जो बचा उसे लिख देंगे। कुल मिला के यहां पे N2 गायब हुआ, N2 गायब हुआ, यहां से H2 बच जाएगा, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो चुका है। बस इसमें यह दो स्टेप में हो रही है, जिंक अमलगम वोल्फ किस्नर रिडक्शन है में दो स्टेप हो जाता है, क्लिम्सन में एक स्टेप में हो जाता है। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन कर लो इसका। एसिटल एल्डिहाइड प्लस एसिटल एल्डिहाइड के साथ ये प्रोसेस करा लो, एग्जाम्पल हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा तुम लोगों को। तो ये रिडक्शन की कुछ रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक छोटा सा टॉपिक ये रह गया था तो शायद मैंने कराया नहीं था। करा लिया। इथेनॉल बनाइए आप लोग, इथेनॉल को भी इसी के साथ कराओ। इथेनॉल CH3CH डबल बॉन्डेड हो, हाइड्राजीन इज NH2 NH2, यहां से H2 निकल जाएगा, O निकल जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NNH2। फिर यहां पे वही इथिलीन ग्लाइकोल डालोगे, आपको बताइए क्या करना है? N2 निकल जाएगा और हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा। चाहो तो एक ही स्टेप में दोनों चीजें करा सकते हो बट लिखना जरूरी है, लाइक इथिलीन ग्लाइकोल और KOH CH3 CH3, इथेन फॉर्म हो जाएगा। तेरे बच्चों एक सब हेडिंग डाल लिया आप लोग, रिडक्शन विद HI एट 423 केल्विन। रिडक्शन विद HI 423 केल्विन। देखिए आज जनवरी का दूसरा दिन है, पहला मंगलवार है और ये महीना इतनी तेजी से निकलेगा जितना आपको पता भी नहीं चलेगा। फरवरी में आपको होगी टेंशन, क्यों तेजी से निकलेगा मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी आपके चलेंगे प्रैक्टिकल,
उसमें आप इतने ज्यादा खो जाओगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा आपको करना क्या है। फरवरी छोटा सा महीना है, 27 तारीख आने में देर नहीं लगेगी, तो आप ये समझ के पढ़िए कि मेरा पेपर ही कल है, अगर मैं नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ी तो मैं फेल हो जाऊंगी। इस तरीके की मेंटेलिटी रखिए अपने दिमाग में, ताकि थोड़ा सा प्रेशर रहे, और जितने टेस्ट होंगे यहाँ पे वो सारे टेस्ट आपको देने हैं, अटेंड करने। इससे ये नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाओगे, या फिर इससे ये भी नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा खराब मार्क्स ला पाओगे, इससे बस ये होगा कि आप पढ़ने लग जाओगे, जो आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी हैबिट नहीं। और बाकी जो सोशल मीडिया है उनसे थोड़ी सी दूरी बनाओ, जैसे अगर पहले 6 घंटे यूज करते हो तो अब कम से कम 5 घंटे 50 मिनट यूज करो, 10 मिनट का कम से कम बैक ब्रेक लो, और उस 10 मिनट में एक अच्छी पढ़ाई करो। जैसे जो आज मैंने पढ़ाया है वो 10 मिनट में ही हो जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि अगर 10 मिनट से ज्यादा 11वें मिनट पढ़ोगे तो फिर इंस्टाग्राम पे 4 रीलें रह जाएंगी, और ये जो चीजें पढ़ी हुई हैं तुमने ज्यादा भूल जाओगे, तो वो प्रॉब्लम भी चीज है। तो आपको फुल मजे करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करनी है, नहीं, नॉर्मली पढ़ाई करनी है। 10 मिनट रोज डेली एक सब्जेक्ट को, 6 सब्जेक्ट है, 1 घंटा हो गया। 6 सब्जेक्ट में बाकी को तुम सब्जेक्ट नहीं मानते हो तो रहेगी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर मैथ, तो 10-10 मिनट में जो भी आपके ट्यूशन पे या जो भी पिछली चीजें हुई उनको रिवाइज करनी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज दिमाग में रखी है कि जितना आपने पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ा, आज तक तुमने जितने टेस्ट दिए उनका कोई फायदा नहीं हुआ है, तो आगे भी जो आने वाले टेस्ट है उनको भी दोगे तो भी कोई फायदा होगा नहीं, जो होगा वहां पे होगा जो फाइनल एग्जाम में, और फाइनल एग्जाम जो है वो 27 फरवरी को है, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, बड़े आराम से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा भगवान की दया से। आज मंगलवार का भी दिन है, आज से हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाना शुरू करो बाबा की लिखे, और पेपर शुरू होने से पहले ऊपर ओम और जय बाबा की जरूर लिखे, क्योंकि फरवरी का महीना बहुत टिपिकल जाएगा तुम लोगों के लिए, समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूं। हाँ, रिडक्शन, और तुम्हारा दोष नहीं है इसमें, जेई का पेपर है, फिर नीट की भी तैयारी करनी है, विद HI एट 423 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं इनको डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, खासकर केमिस्ट्री में, ऐसा लगता नहीं है फेल हो जाए, फेल होने का वो डर नहीं है, नंबर भी कोई मैटर नहीं करता, अब तो एंट्रेंस हो गए हैं, तो यहां नहीं पढ़ रहे हो तो वहां पे भी एंट्रेंस में तो क्या ही नंबर आएंगे, समझ रहे हो? अगर यहां आता होगा तभी तो एंट्रेंस में आएगा ना, सिंपल सा लॉजिक ये है। अगर इसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो हो सकता है कि एंट्रेंस में थोड़ी बहुत किस्मत ने साथ नहीं दिया तो खराब आएगा, अदरवाइज 90% चांसेस है कि CUET या फिर कोई भी एंट्रेंस दोगे तो उसमें डेफिनेटली आ जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे अगर फोकस कर रहे हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज है। जैसे आपने फिजिक्स फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छी कर ली, या केमिस्ट्री केमिस्ट्री अच्छी कर ली, तो एंट्रेंस से काम नहीं चलेगा, आपको तीनों सब्जेक्ट पर सेम ध्यान देना पड़ेगा। दो तीन चीजें याद रखना जिंदगी में, अगर 12वीं के बाद ये जो पेपर हो जाएंगे, एंट्रेंस हो जाएंगे, इसके बाद डिसाइड कर लेना। अगर लास्ट ईयर एक बच्ची आती थी हमारे पास, तुम लोग शायद जानते भी होगे, वर्षा को, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, और 95 आए थे उसके केमिस्ट्री के अंदर। तो वर्षा का क्या सीन था, उसने 2 साल कोचिंग ली थी एक तरीके से हमारे पास नीट की, लेकिन 450 नंबर के करीबन आए थे, फिर बायो वाले सर चले गए थे और फिर थोड़ा सा मामला डाउन हो गया था, तो उसने छोड़ दिया था। तो बीच में जो छोड़ देते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है, कंसिस्टेंसी आपको एंड तक बना के रखनी पड़ती है, उसने छोड़ दिया तो नंबर कम आ गए। फिर उसने इस साल ड्रॉप लेने का सोचा था, तो शुरू में वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, एक आकाश इंस्टीट्यूट है उसमें जाके उसने एडमिशन ले लिया, और फिर 2 महीने बाद उसे रियलाइज हुआ कि मेरे से नहीं हो पाएगा। नो डाउट तुम लोग जानते हो उसे, तो तुम्हें पता होगा कि वो इंटेलिजेंट है, पिछले टेस्ट रिजल्ट्स अगर देखोगे उसके तो वो बहुत अच्छा पढ़ रही थी, पर उसे रियलाइज हुआ कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उसका क्या कहते हैं, कल मैसेज आया हुआ था, वैसे तो जन्मदिन पे भी विश किया था उसने, पर कल मैसेज भी आया कि हैप्पी न्यू ईयर सर। अब मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है, तो फिर जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में मैंने HNY लिख दिया, HNY मतलब फुल फॉर्म में हैप्पी न्यू ईयर। तो फिर उसने एक मैसेज लिखा कि सर इससे भी काम चल गया है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली वो मुझे बताने चाहती थी अपनी सिचुएशन में, सी इज इन अ एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है ना, इसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हो आपको करना क्या, तो आप लोगों को पहले से डिसाइडेड है कि पढ़ना नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। माँ बाप को भी पता है कि यार नहीं पढ़ेंगी, लड़कियों को तो बोल रखा है कि नहीं पढ़ेगी अगले साल तेरा ब्याह रच देंगे, वो खुश होती हैं कि अरे मम्मी अभी से देखना शुरू करो।
क्या दे रहे हो और बातें करते, डिस्कशन होता है घर में बैठ के, पापा ऐसे बैठे हुए, मम्मी ऐसे बैठे हुए, और वो बातें कर रहे हैं आपस में कि देखो टाटा नेक्सॉन सही है या फिर फॉर्च्यूनर। बेटी बोल रही पापा देख लियो ना, फॉर्च्यूनर करा दियो ना, क्या दिक्कत है। कई तो साइकिल में ही बात मान रही है कि साइकिल हो, मोटरसाइकिल, ठीक है। कई कुछ दहेज ही लेके नहीं आती है। अब यहां पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो, कहीं तुम कुछ सोचो अच्छाई के साथ। तो कई लड़कियां होती हैं ऐसे, जैसे कई एक आधे बच्चे और हैं जो मेरे पास होम ट्यूशन पढ़ते हैं, उनका ड्रॉपर है, तो उसके पेरेंट्स कहते रहते हैं कि सर देख लो, अगर इसका इस बार नहीं हुआ तो नहीं कराएंगे इसे आगे, इसका कर देंगे इसका ब्याह, क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं पढ़ाई वढ़ाई का। वो लड़की कहती है सर मुझे मत पढ़ाओ प्लीज। मैं क्यों बोला सर जो कह रहे हैं बात पे टिके तो अपनी है, अगले साल मेरी शादी तो कराए, मैं चाहती हूँ। तो सपने देख रही है वो कि सर लहंगा कैसा रहेगा। मैं कहा ये असाइनमेंट कर ले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला नहीं सर डिजाइन बताओ आप, आपकी मैम ने कौन सा पहना था। ऐसी ऐसी बातें, लड़कों क्या है, क्या करोगे तुम, तो कुछ नहीं पता इनका, कुछ भी नहीं पता इनका। बोला सर बारहवीं कर ले एक बार फिर सोचेंगे, बारहवीं के बाद ज्यादा से ज्यादा सरदानंद या डीयू के किसी कॉलेज में या सोनीपत के किसी कॉलेज में, खेत में, वहां पे कॉलेज से निकले खेत में आ गए, अरे ये कहाँ आ गए हम, ट्रेन से धक्के खाएंगे, बस इनका ये काम है और कुछ भी काम नहीं है। कई सारे बच्चे यहाँ से चंडीगढ़ चले जाएंगे, चंडीगढ़ इज लाइक कि वहां चले गए, जैसे तुम यहाँ सोनीपत बोलते हो ना, चंडीगढ़ वैसा है और कुछ भी खास नहीं है, वहां पे भी प्राइवेट कॉलेज ही मिल रहा है। तो बहुत सोच रखा है तुम लोगों ने अपने जिंदगी के बारे में, बाकी कोई सीरियस नहीं है तुम में से। अभी इतने सीरियस बन के दिखाएंगे सर आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं हम, ये सुनना जरूरी है हमारे पास। ये भी सेम है भाई, CH3 बन जाएगा, RCH3 हाइड्रोकार्बन। पैसा बहुत हो गया तुम लोगों के पास, दिक्कत ये है ना, पैसे की कमी रहती तब तुम्हें शायद वैल्यू पता लगती। मैं तो चाहता हूँ दोबारा से ना कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो सबको गरीब बना दे, मेरे को छोड़िए, क्योंकि मैं अभी अभी निकला हूँ गरीबी से, फिर से वही स्ट्रगल नहीं झेल सकता मैं। तुम लोगों को ना हर चीज मिल गई है बड़े प्यार से, और वो सबका नेचर है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज आसानी से मिल जाती है फिर उसकी लोग कदर नहीं करते, कोई दुखी है उस चीज के लिए। प्रियांशु है, अब ये पिछले साल भी फेल हो रखा था, हमारे पास नहीं पढ़ता था, पर इस साल भी इसके लक्षण ऐसे दिख रहे हैं। प्रियांशु रेड फॉस्फोरस डालना है, अल्कोहल नहीं बनाना, ओहो सॉरी, रेड फॉस्फोरस भी डालना है भाई इसमें। देखो पढ़ाई वढ़ाई तो क्या है, कुछ भी डाल दो क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ बच्चों ने ध्यान दिया नहीं दिया वो भी लिख दिया, आप काट के दोबारा लिखेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पढ़ा दो। आज ये रिडक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस बताइए जो डाउट आप लोगों की प्रॉब्लम थी। असाइनमेंट चल रहा था 12.3 जो कि बेस्ड था केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पे, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम। तुम्हारे पास यार इतनी अपॉर्चुनिटी है ना, मेरा मतलब मैं तुम लोगों से जेलसी फील करता हूँ वैसे बताऊं तो, जितनी चीजें तुम्हारे पास हैं, मतलब कोई कितना ही गरीब हो ना अच्छा पढ़ के अच्छी जगह जा सकता है, और तुम्हें पता नहीं है फायदे अच्छी जगह जाने के, बहुत फायदे होते हैं। एक फुद्दू कॉलेज में पढ़ो, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ो, कॉलेज का एनवायरमेंट बहुत कुछ दे जाता है। तुम अभी अपने दोस्तों से मिलते हो ना तुम्हारी तरह बात करता है, वहां जाओ वहां पे अलग ही मजा आएगा। पढ़ना वढ़ना तो बस सेकेंडरी थिंग है, जीवन के जीवन को कैसे जीते है ना वो पता चलता है, वो अगर तुम्हारी उम्र में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जितना लेट करोगे उतना मामला खराब है, जितनी देर से जियोगे। तो एक्चुअली में जीवन में कैसे एक्सप्लोर करना ना वो अच्छे कॉलेज में हो सकता है। सिर्फ ये सोचो कि ग्रेजुएशन करेंगे आगे भी पढ़ेंगे, जिनकी सोच ये है ना आगे भी पढ़ेंगे, बेकार है, कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई 12वीं के बाद खत्म हो जानी चाहिए। एंट्रेंस किया अच्छे कॉलेज में, ऐश काटा 2 साल, पता चला फेल हो चुके हैं, कोई बात नहीं तीसरे साल में जाके पास हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, धक्के मार के नहीं निकालेंगे कॉलेज वाले, ऐसा नहीं होता कि उनके टेस्ट में फेल हो गए तो बाहर निकाल देंगे, नहीं, सीधा डिग्री में बात करेंगे। नॉर्मल 4-5 साल का कोर्स है तो उसमें 10 या 8 सेमेस्टर्स होंगे, उसमें तुम्हें पास होते रहना है थोड़ा थोड़ा, इतना तो पढ़ी लोगे कोई ज्यादा, अगर वहां तक पहुंचे हो तो इतनी इंटेलिजेंसी तो है ही बढ़िया। अपना ये सोचो कि कैसे जिंदगी को और हसीन बना सके, लेकिन तुम लोग सोचते नहीं, तुम लोग सोचते असाइनमेंट कर लेते हैं,
टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट में अब्सेंट हो जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर घर पे मनाते हैं किसी और के, चले गए वहां पे रात को आग लगा के बोन फायर में अल्कोहल डाल के तुम ये रील बना रहे हो, ठीक है, मुंह से अल्कोहल फूंक के उसमें आग में, मुंह में आग लगा रहे हो, ये सब चीजें क्या हैं? इससे और अच्छी चीजें हो सकती हैं, लाइक घर से दूर हो पूरी रात ये काम कर रहे हो और तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, कोई मोह माया नहीं है पढ़ाई वढ़ाई से, तुमने वो सुना भी होगा, वैसे तो यूपीएससी जब क्लियर हो जाता है ना तो इसका जो यूपीएससी में ना उत्तराखंड में है इसका वो लवासना, तो अब उन्होंने क्या करा, उसी कैंपस में ही अल्कोहल का ठेका खोल दिया है। पहले क्या होता था, यूपीएससी क्लियर हुआ और सारे जब क्लियर होने के बाद उनको टेंशन नहीं है कि अब जिंदगी बन गई है, उसके बाद आईएएस बन ही जाते हैं, बट अब थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। तो अब क्या सीन होता था कि वो जिस दिन क्लियर हुआ गए हॉस्टल में रहे 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 नहीं रहे, रात को क्लास खत्म हुई 5 बजे निकल गए उत्तराखंड के जंगलों में खेल रहे हैं वो, और दारू की बोतल लेके कहीं कोई घुसा हुआ है किसी गुफा में, कोई किसी पेड़ के नीचे है। जब सुबह अटेंडेंस के टाइम पे गिनते थे कि हमारे आईएएस कम हो गए हैं, तो फिर एक नेता निकल के आता था कि जी पाकिस्तान हमारे आईएएसओ को ले जा रहा है, फिर 4-5 वो जो जंगल में जो पेड़ पौधे जो काटते हैं वो लोग, या जो जानवरों को इकट्ठा करते हैं वो लोग उनको उठा के लाते थे कि ये जी ये गुफा में पड़े हुए थे किसी दूसरी अवस्था में, तो पता चला कि वो अल्कोहलिक था, ड्रंक था, वो खूब मजे करते हैं, किसी पहाड़ों पे जाके कूद गए कि आईएएस तो बन ही गया मुझे क्या ही होगा, कोई फर्क नहीं है, शेर से बात कर रहे हैं ड्रंक ड्रिंक करने के बाद। फिर वो पता है यूपीएससी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, शेर दिहाड़ रहा हूं चुप करा रहा है उसे, इतना कॉन्फिडेंस आता है उसे, और होता भी है, होता भी क्यों नहीं है। एक टीचर है मुखर्जी नगर में, दोस्त है मेरा, पर अब मैं उसे दोस्त नहीं मानता। वो एक दिन मिला मुझे, और वो मेरा साइंस बैकग्राउंड है, उसका क्या है हिस्ट्री विस्ट्री ये सब बातें, वो ना कहानियां, वो ऐसा ये पागल है, तो उसका ना हुआ नहीं यूपीएससी, तो वो पढ़ाने लगा, तो वो हिस्ट्री पढ़ाता रहता था अलग अलग पीरियड में, तो उसमें क्या था वो ना उसकी आदत थी कि जब वो पढ़ाता था तो पढ़ाता था, लेकिन वो ना ड्रिंक करके पढ़ाता था, अल्कोहल पी के पढ़ाता था, तो वहीं पे ना स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वो खुश हो गया, बोला सर फिर आज अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो आप, बोला क्यों, बोला आज आप पी के नहीं आए जिस दिन आप ड्रिंक करके आते हो ना उस दिन आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, और वो भी ऐसा इंसान दारू पीने के बाद ना ऐसी ऐसी हिस्ट्री बता देता था जो किसी बुक में नहीं लिखी होती थी। एक दिन मेरे को पकड़ लिया उसने, अब उसने पी रखी थी, गाड़ी में थे हम दोनों, वो मुझे बताने लग रहा है कहानी ऐसे ऐसे हो, और मेरे को इंटरेस्ट आ गया, मैंने सोचा कि एक टाइम पे साइंस वाइंस छोड़ू यूपीएससी की तैयारी में लग जाऊं, तो वो जिंदगी है उसको जियो, इसका ये मतलब नहीं आज ठेके पे निकल गए कि आज से ही पढ़ना है हमें। 2,4-DNP टेस्ट क्या है, क्या है ये क्लिम्सन रिडक्शन, और वोल्फ के बारे में तो बात ही नहीं है, टोलेंस का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, देखा ये पढ़ाई की बातें करवा लो इनसे, मैं कह रहा हूं पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, तुम लोग हमेशा पढ़ाई की बातें करते रहते हो, कुछ भी पूछ लो बता देते हो तुम लोग, है इतना आसान क्वेश्चन बताना, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पिनाइट्रो, देखा ये सब रेक्टिफिकेशन बुकिश चीजें पढ़ रहे हो तुम लोग, बार बार निकलो, क्या ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, 4 तक कराया था मैंने, 5 तक करा दिया था, उसके बाद तुमने करा नहीं, टेस्ट देने जो आ गए सो आ गए, और जो नहीं आए तो उन्होंने छुआ भी नहीं होगा कि नया साल मनाएंगे। तुम्हारे जीवन में क्या नया आया, कुछ भी तो नहीं आया, वही क्या है नया, नया ग्रीटिंग कार्ड भी नहीं मिला होगा अब तो। छठा क्वेश्चन कराना है, छठा किया था किसी ने, अरे सच सच बताओ नालायक को, पढ़ कौन रहा है साला ये मुझे बताओ, कौन पढ़ रहा है घर पे, कोई आज से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मैं पढ़ूंगा तुम्हारी जगह, एनएलडीहाइड ए कितने बजे पढ़ना होता है ये बता दो मुझे, रात को 9 बजे बैठ जाऊं, 9 से सुबह 5 बजे तक पढ़ूंगा मैं तुम सबके लिए, सबके लिए 2-2 मिनट मैं पढ़ लूंगा, भेज दो बुक्स वगैरह में, तुम लोग भेजोगे या बुक्स में रहने देना है मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ तुम लोगों की जगह, मैं तो कह रहा हूँ 12वीं के पेपर भी मैं ही दे आता हूँ तुम्हारे,
तुम्हें कोई टेंशन नहीं है क्या यार? मेरी ना बारहवीं में ना जनवरी के महीने में बिल्कुल सर्दी की वजह से ज्यादा डर नहीं था मेरे को, बहुत ज्यादा मेरे को दिक्कत, मैं कांपता था सर्दी की वजह से नहीं, पेपर की वजह से यार, पेपर आने वाला, मैंने कोई तैयारी नहीं करी है। तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, दिखता नहीं है, बताओ सच में टेंशन है क्या तुम लोगों को? तुम्हारे चेहरे लगते तो नहीं है टेंशन वाले, सब मजे काट रहे हैं। अरे सर ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी? वो तो हमें पता ही नहीं है, बताना ये तो बता दोगे तुम लोग, बताओ। अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब पता है कैसा होगा, एल्डिहाइड होगा और उससे नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोक्सी। देखो दो बातें याद रखना है, अपनी नोटबुक में लिख लो, ये बहुत अंदर की बात है, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोक्सी जब भी बनाना हो तो HCN से रिएक्शन करानी है, लिखो ना, अल्फा हाइड्रोक्सी जब भी बनाना हो तो HCN से रिएक्शन करानी है, मोस्ट प्रोबली मतलब 90% नहीं बोल रहा हूँ, 2%। और बीटा हाइड्रोक्सी होगा तो एल्डोल कराना होगा, बीटा हाइड्रोक्सी होगा तो एल्डोल से कहानी बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन एन अननोन एल्डिहाइड ए, सुनो, एक अननोन एल्डिहाइड ए है ऑन रिएक्टिंग विद एल्कली, समझ रहे हो तुम लोग, एल्कली के साथ उसने रिएक्शन करी, गिव्स अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिया उसने, ठीक है। मेरे को लग रहा है अल्फा की जगह ना यहाँ पे बीटा होना चाहिए था, बीटा है क्वेश्चन पेपर में तो इसे बीटा कर लेंगे, और मैंने लिखवाया भी आप लोगों को, अरे लिखवाया कि नहीं लिखवाया, क्या बीटा होगा तो क्या होगा, एल्डो, दूसरा एल्कली, एल्कली कौन सा, डाइल्यूट NaOH, कोई एल्डिहाइड है ए, इसमें अगर मैं डाइल्यूट NaOH डालूंगा तो एल्डोल होगा, अरे हाँ कि ना यार, और एल्डोल होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, बीटा क्या होता है, अल्फा से नेक्स्ट, ये अल्फा है और उससे नेक्स्ट बीटा है, अल्फा वी डोंट नो बट बीटा ऑल्सो वी डोंट नो, और इसके पीछे क्या वो भी हमें अभी तक नहीं पता है, कोई बात नहीं। विच लॉसेज वाटर, ऑब्वियसली जब आप इसे हीट करोगे तो पानी निकलेगा, मतलब अल्फा पे दो हाइड्रोजन तो थे, टू फॉर्म एन अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड बन जाएगा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जिसका नाम क्या है, ब्यूट टू इन अल, मतलब समझ गए तुम लोग, ब्यूट टू इन अल ऐसा स्ट्रक्चर होगा प्यारे बच्चों। अब ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है बताओ बताओ, जब यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा तो यही बनेगा, अरे हाँ कि ना, अगर ये बनाना है तो ये क्या होगा बोलो, CH3CHO, यही होगा ना एसिटाइल एल्डिहाइड, तो ये हमारा क्या है ए है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, हीट किया तो ये बन गया। उसके बाद कह रहा है अनदर एल्डिहाइड बी, एक दूसरा एल्डिहाइड है बी, ये हो गया सभी का, लिख लो साथ साथ। छठा क्वेश्चन, मैं ऐसे हजार क्वेश्चन भी करा दूं ना और कंसेप्ट नहीं आता है तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं, तो बड़े आराम से ध्यान से करो। दूसरा एल्डिहाइड है बी, अंडरगो कौन सी रिएक्शन है बच्चे? अच्छा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इस चैप्टर में मैंने कौन सी पढ़ाई है, क्या निजार
मुझे एक बात बताइए आप लोग कि इसको अगर आप HCN से रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? HCN से आता है कराना? कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN। करा के दिखाओ। ये बॉन्ड पोलराइज होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। CN नेगेटिव, H पॉजिटिव। CN जाके अटैक कर देगा C पे, क्या बना? CHOH और CN। C और N के बीच में तीन बॉन्ड होते थे, इसको कुछ बोलते थे साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? नालायको। जिसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, याद है? सब भूल गए। तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, OH आ जाए, CN का क्या बन जाता था बेसिकली? COOH, बाकी सब सेम रहेगा। तो सबसे पहले ये लिख लो CH3, फिर आगे लिख लो CH, इस CH पे आ जाएगा OH और इसका हो जाएगा COOH। 1, 2, 3, 2-hydroxyproponoic acid बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यही है हमारा 2-hydroxyproponoic acid ही बना है। तो किसी भी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ोगे तभी जाके बात बनेगी, पिछली सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो कल बेसिकली पढ़ाई नहीं होगी, इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग छुट्टी करोगे, पढ़ाई होगी अलग तरीके से, कुटाई वाली पढ़ाई होगी। आपको पिछला सारा याद होना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज। मुझे असाइनमेंट जो करके लाओगे इसमें पूछूंगा ये कैसे किया, ये कैसे किया, मेरे को समझा। ये दो दो क्यों डाल रखे भाई? अच्छा क्रोसेल्डोल किया, मैं बताऊं तुम्हें? देखो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे सी डबल बॉन्डेड हो और फिर यहां पे एच, एसीटोन है हमारे पास COCH3। तो प्यारे बच्चों इस CH3 का अल्फा हाइड्रोजन यूज करने वाला हूं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं CH2 और H। आपको पता है एरो का निशान इस तरफ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये एरो एज इट इज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये CH2 जाके अटैक करेगा इस C पे, क्या आएगा? बेंजीन रिंग लिखने के लिए पहले बोला था इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा, इस पे CO का क्या हो जाएगा? OH, यहां CH आ जाएगा और इसी पे आगे क्या लिखने वाले हो आप? CH2, वेरी गुड। फिर C डबल बॉन्डेड O और CH। तो ये क्रोसेल्डोल का प्रोडक्ट है, इसका नाम लिखेंगे आप लोग 4-hydroxy-4-phenyl-butane-2-on। 4-hydroxy-4-phenyl-butane-2-on। एक एक क्वेश्चन अगर हम ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल से 4 जन्म लगेंगे। ये रिएक्शन आपने करी है,
जिंक अमलगम HCl के साथ, आज ही करिए शायद हमने, कौन सी रिएक्शन है ये, नाम भी बताया था, भूल गए, क्लिम्सन रिडक्शन। क्या होता है इसमें, जो CO दिख रहा है तुम्हें CH2 बन जाएगा, क्या बनेगा CH3, ये एक्चुअली में ना C6H5 होगा क्योंकि H5 लिख रखा है, तो C6H5 CH2 CH3, C6H5 कर लेना, इसका नाम होगा एसिटोफिनोन और जो बना है वो है इथाइल बेंजीन। आई थिंक ये मैंने एग्जांपल भी लिया था, ऐसे हमें काफी टाइम लगेगा, हमें 4 जन्म लगेंगे इस असाइनमेंट को करने के। मैं सीरियस नोट में बोल रहा हूँ, मेरा बहुत ज्यादा ही मूड खराब है तो मैं कल कूटूंगा ध्यान रखना। ये कौन सी रिएक्शन है, क्वेश्चन पेपर में देखना क्या ये सही यहाँ पे टाइप है या कुछ और है। अगर ये सही टाइप है तो इसमें बताइए आप लोग कौन सी रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट का नाम बता दो मुझे, याद है किसी बच्चे को, एनीवन, क्या तो था हमने कभी, हाँ एक याद है एसिटल कीटल, याद है आप लोगों को, वो है ये। देखो पढ़ने में और यहां पे करने में दोनों में फर्क दिखाता हूं, ये जो CH2OH twice है ना वो ऐसा है CH2CH2OHOH, इथाइलीन ग्लाइकोल है प्यारे बच्चों, ये याद आया कुछ नहीं आया, अपनी नोटबुक में देखना इथाइलीन ग्लाइकोल, यहां से H2O निकाल देना, HCl के प्रेजेंस में होता है बेसिकली, ये ड्राई HCl होता है, क्या बनेगा CH3CH, यहां पे O फिर CH2 फिर से CH2 और फिर O, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कीटल बोलते हैं। और इसका नाम इथेनल है, ये इथाइलीन ग्लाइकोल है और यहां पे ये कीटल बन जाएगा, पूरा नाम होगा इथेनल इथाइलीन ग्लाइकोल कीटल, और ये तुम्हारे नोट्स में कराया हुआ है मैंने, सेम क्वेश्चन इस असाइनमेंट में दे रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आई होप कि आप ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करके लाओगे, ठीक है, ऐसे में कराने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है बताओ, ये बेंजीन रिंग ही है, वहां पे क्या बनाया हुआ है, बेंजीन रिंग है ये, देखना अपने उसमें, चलो जो भी है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन हो कैसे सकती है, लेट सपोज अगर ये बेंजीन रिंग भी है, इधर CO CH3 है और इधर CHO है, प्यारे बच्चों प्लस में HCHO है और एरो के निशान पे KOH है, ना डाइल्यूट लिखा है ना कंसंट्रेटेड लिखा है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि इस पे अल्फा हाइड्रोजन होने के कोई चांसेस ही नहीं है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इससे नेक्स्ट वाला ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इससे नेक्स्ट वाला ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इससे नेक्स्ट वाला अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन यहां से यूज करना, इसका इलेक्ट्रोफाइल यूज करना और ये डाइल्यूट एल्केली, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल, इसको करा देना कल, मैं आप लोगों से ये असाइनमेंट चेक करूंगा और अगर पूरा होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। एक काम और करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग आफ्टर द जो तुमने केमिकल प्रॉपर्टीज का असाइनमेंट किया है उसके बाद, प्रॉपर तरीके से करिए, अच्छी तैयारी करिए, ये चैप्टर पूरा अल्कोहल हेलोएल्केन तीनों चैप्टर का जो टेस्ट है वो सैटरडे को होगा, तो आप लोग छुट्टी नहीं कर सकते हैं, बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।